आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियांक डिमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल केस ट्रायल, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और पुलिस FIR दर्ज कर लेती है तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर केस कैसे चलता है, कोर्ट उसमें क्या प्रक्रिया अपनाती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पुलिस FIR केस और दूसरा होता है परिवाद अर्थात कंप्लेंट केस। पहला केस वह होता है जो कि पुलिस FIR के आधार पर होता है, दूसरा केस है कंप्लेंट केस अर्थात परिवाद, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 210 और 223 के तहत कोर्ट में कंप्लेंट केस अर्थात परिवाद दायर किया जाता है। यहां हम सिर्फ पुलिस द्वारा की गई FIR केस के बारे में बात करेंगे। इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला भाग है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, दूसरा भाग है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए और पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दे तो कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है, और तीसरा भाग है जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो जजमेंट के बाद अपील और फिर दया याचिका का। पहला भाग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है उस अपराध की सूचना पुलिस को देना। जो व्यक्ति अपराध की सूचना देता है वह शिकायतकर्ता कहलाता है। जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है वह विक्टिम, फरियादी या पीड़ित कहलाता है, और जो व्यक्ति अपराध करता है वह एक्सक्यूज्ड, आरोपी या अभियुक्त कहलाता है। पुलिस को अपराध की सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता, जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपराध होते हुए देखा हो लेकिन वह व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित ना हो अर्थात उसका हिस्सा ना हो, वह व्यक्ति भी शिकायतकर्ता हो सकता है। पुलिस स्वयं किसी भी अपराध की शिकायतकर्ता हो सकती है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर हो और वो कोई अपराध होते हुए देखे तो वह पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर अर्थात खबरी से कोई सूचना मिले या फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे तो उस अपराध में भी वो पुलिस ऑफिसर ही शिकायतकर्ता होगा। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है उसका पहला काम होता है BNSS की धारा 173 के तहत FIR रजिस्टर्ड अर्थात दर्ज करना। अगर समय नहीं है और मौके अर्थात घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात काबू में करेगी, फिर FIR दर्ज करेगी। संज्ञेय अपराध अर्थात गंभीर अपराध के मामले में यदि आरोपी पकड़ाया नहीं गया है तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को ढूंढकर BNSS की धारा 35 के तहत बिना वारंट के अरेस्ट करती है। पुलिस BNSS की धारा 49 के तहत उस आरोपी की तलाशी करती है या फिर BNSS की धारा 185 के तहत पुलिस उस स्थान की भी तलाशी कर सकती है जहां पर वह अपराधी पकड़ाया गया है। जो भी सामान उस आरोपी के पास होता है, सिर्फ उसके कपड़ों को छोड़कर, वह सभी सामान पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा अर्थात कस्टडी में रख लिया जाता है या कह लें कि जब्त कर लिया जाता है। उस सामान की जब्ती रसीद भी पुलिस द्वारा आरोपी को दी जाती है। इसके बाद पुलिस BNSS की धारा 36 गा के तहत उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जाकर उसके घर वालों को इत्तला की जाएगी। पुलिस FIR करने से पहले या फिर FIR करने के बाद जैसा भी उचित समझे वैसे अपराधी एवं पीड़ित व्यक्ति को BNSS की धारा 51, 52, 53, 184 एवं 397 के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 के अनुसार भी एक डॉक्टर घायल या रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकता है। BNS की धारा 200 के तहत भी कोई भी हॉस्पिटल पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। यदि मामला रेप का है तो BNSS की धारा 184(6) के तहत डॉक्टर को रेप की जांच की रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पुलिस थाने भेजनी पड़ेगी। इन सब कार्रवाइयों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वो धारा जमानती है या फिर पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है तो दोनों ही स्थितियों में आरोपी को BNSS की धारा 478 के तहत पुलिस थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस द्वारा किसी प्रकार की जमानती की या बेल बॉन्ड की मांग भी आरोपी से की जा सकती है। अगर अपराध गैर जमानती धाराओं में है
उदाहरण के लिए जैसे कि BNS की धारा 64 रेप या धारा 103 हत्या, तो BNSS की धारा 58 के तहत पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष तक की सजा है उसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को थाने से सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाएगा और जब पुलिस कोर्ट में चालान अर्थात चार्जशीट फाइल करेगी उस दिन उस व्यक्ति को सीधा कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट से जमानत लेनी होगी। यह दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर्स, साइटेशन है AIR 2014 SC 2756। जजमेंट की डेट है 2 जुलाई 2014 को। यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई है। इसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगती है। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि आरोपी को थाने ले जाकर उससे पूछताछ करना, जैसे कि घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, हथियार कहाँ छुपा के रखा है, अपराध में कौन कौन शामिल था, आदि बातें पुलिस कस्टडी में पुलिस द्वारा पूछी जाती हैं। BNSS की धारा 187 के तहत यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं। यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो BNSS की धारा 187(3) के तहत पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक की नहीं होगी। और यदि पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना होगा तो फिर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। लेकिन यदि केस सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जैसे कि हत्या या रेप का मामला, तो मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 232 के तहत कमिट करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद केस को सेशन कोर्ट के पास भेज देंगे, अर्थात सुपुर्द कर देंगे या कमिट कर देंगे। क्योंकि BNSS की धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट के पास केवल उन अपराधों का विचारण करने की शक्ति है जिनमें केवल 3 वर्ष तक की सजा हो या ₹10,000 जुर्माना या सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस की सजा है। जबकि BNSS की धारा 22 के तहत सत्र न्यायाधीश या सेशंस कोर्ट के पास मृत्युदंड देने तक की शक्ति है। इसलिए गंभीर धाराओं में किए गए अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते और इसीलिए मजिस्ट्रेट को केस सत्र न्यायालय के पास भेजना अर्थात सुपुर्द करना पड़ता है। आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेना। अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से BNSS की धारा 482 के तहत कोर्ट में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन दायर कर जमानत ले सकता है या फिर पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर हो जाने के बाद पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके BNSS की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट से और धारा 483 के तहत सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से नियमित जमानत अर्थात रेगुलर बेल ले सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो उसी कोर्ट में बेल में आपत्ति या फिर उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में BNSS की धारा 483(3) के तहत बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकता है जिससे कि आरोपी को जमानत ना मिल सके और यदि मिल गई है तो जमानत रद्द करवाई जा सके। पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना और सबूत इकट्ठा करना। ऊपर बताई गई सभी कार्रवाइयाँ और FIR रजिस्टर्ड हो जाने के बाद पुलिस का काम होता है कि वो केस की निष्पक्ष जांच करे और कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। जो व्यक्ति केस की जांच करता है उसे IO अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। IO कोई भी हो सकता है, SDOP, SHO या फिर कह लें TI या फिर SI। जो भी केस की जांच करता है वह IO कहलाता है। IO ही केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनवाता है पटवारी द्वारा, जरूरी कागजात और सबूत व्यक्तियों से या डिपार्टमेंट से लेता है, गवाहों के धारा 180 BNSS में बयान दर्ज करता है, आदि कार्य IO करता है। अगर IO जांच में यह पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है या फिर पर्याप्त आधार अथवा साक्ष्य नहीं है कि आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए तो पुलिस BNSS की धारा 189 के तहत फॉल्स रिपोर्ट FR या फिर कह लें क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करके केस को खत्म कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो प्रोटेस्ट पेटिशन अर्थात परिवाद पर कोर्ट में BNSS की धारा 210(1) के तहत केस को आगे चला सकता है और साथ ही BNSS की धारा 173(4) के तहत मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश दें। अगर ऐसा नहीं है और पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं तो फिर आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट को ही चालान, अंतिम प्रतिवेदन, इस्तगासा या अभियोग पत्र कहते हैं।
चार्जशीट को 5 नामों से जाना जाता है, तो पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। यदि आरोपी के पास भी पुख्ता सबूत हैं कि पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है और उसके ऊपर गलत रूप से FIR दर्ज कर दी गई है, तो वह आरोपी अर्थात वह व्यक्ति FIR निरस्त अर्थात FIR कॉश कराने के लिए BNSS की धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, जिससे कि हाईकोर्ट उसके ऊपर की गई FIR को निरस्त कर सके। BNSS की धारा 187(3) के तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन होती है, जो कि केस की धाराओं पर निर्भर करती है। जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर की सजा के होते हैं, ऐसे मामलों में 90 दिनों में पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी अन्य सभी धाराओं में 60 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो BNSS की धारा 187 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस जमानत को डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है। लेकिन यह समय सीमा का नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में 60 दिन या 90 दिन से ज़्यादा समय भी लगा सकती है। चार्जशीट अर्थात चालान में ये चीज़ें शामिल होती हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में ये चीज़ें शामिल होती हैं: दोनों पार्टियों, शिकायतकर्ता, पीड़ित और आरोपी का नाम, अपराध की सूचना की प्रकृति कि पुलिस को अपराध की सूचना कैसे मिली, शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति की शिकायत जो शिकायत उसने थाने में की थी, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी की गिरफ्तारी से संबंधित पेपर, गवाहों के BNSS की धारा 180 के बयान, आरोपी से जब्त किया हुआ हथियार या सामान, घटना स्थल का नक्शा, अन्य कोई केस से संबंधित पेपर जैसे कि नक्शों का या जब्ती के गवाहों के बयान, और BNSS की धारा 176 के तहत घटना स्थल के वीडियोग्राफ्स और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आदि। ये सभी चीज़ें क्या है, चार्जशीट में शामिल होती हैं। दूसरा भाग है क्रिमिनल केस ट्रायल का। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट अर्थात चालान दायर करने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। यदि चार्जशीट और बयानों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी के ऊपर केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला प्राइमा फेस केस नहीं बन रहा है जिस पर आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाकर केस को आगे चलाया जा सके, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को BNSS की धारा 262 के तहत, सेशन कोर्ट धारा 250 के तहत और परिवाद केस में मजिस्ट्रेट द्वारा BNSS की धारा 268 के तहत उन्मोचित अर्थात डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उन्मोचित का अर्थ होता है कि अभी कोई सबूत नहीं है आरोपी के खिलाफ, इसलिए उसे छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन यदि कोई सबूत मिल गया तो केस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, उन्मोचित कर दिया जाता है। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस चलाने के पर्याप्त आधार हैं तो फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। सबसे पहले आरोपी को या उसके अधिवक्ता को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है या चार्जशीट से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं तो आरोपी के अधिवक्ता BNSS की धारा 230 के तहत कोर्ट के सामने आवेदन करके उन दस्तावेजों की कॉपी कोर्ट से लेते हैं, या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर ऑर्डर शीट पर लेखबद्ध करवाते हैं, जिससे कि बातें कल को केस के फाइनल आर्ग्यूमेंट के समय आरोपी के खिलाफ ना जाएं। ऑर्डर शीट वह होती है जिस पर पेशी के दिन कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई वह सब लिखा जाता है। चार्ज फ्रेम, चार्जशीट के पेपर की कार्रवाई पूरी होने के बाद अर्थात आरोपी के अधिवक्ता को दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद चार्ज पर बहस अर्थात आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसके लिए एक पेशी नियत की जाती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर धाराएं लगाना कि किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलना चाहिए, इसे चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। चार्जशीट को पढ़ने के बाद यदि कोर्ट को लगे कि आरोपी पर चार्ज फ्रेम करना बनता है लेकिन पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वह धाराएं सही नहीं हैं, तो कोर्ट BNSS की धारा 239 और 244 के तहत उन धाराओं को बदलकर नई धाराओं में भी चार्ज लगा सकती है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद कोर्ट आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे उसी वक्त या अगली पेशी पर सजा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता और कोर्ट में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा अर्थात ट्रायल का सामना करेगा, जुर्म अस्वीकार है, तो फिर उस स्थिति में केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। इसे ट्रायल प्रोग्राम भी कहा जाता है।
गवाही। क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर पुलिस द्वारा चार्जशीट में दी गई गवाहों की लिस्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण के तहत गवाहों की गवाही होती है। अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें प्रोसिक्यूशन विटनेस और आरोपी पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें डिफेंस विटनेस कहा जाता है। यह गवाह क्रमवार होते हैं, जैसे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तथा आरोपी अर्थात बचाव पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें डिफेंस विटनेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आदि कहा जाता है। और यदि इन गवाहों के द्वारा कोई सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे एग्जिबिट P1, P2, P3 तथा आरोपी के गवाहों की ओर से कोई दस्तावेज पेश किया जाता है तो उसे एग्जिबिट D1, D2 आदि के रूप में प्रदर्शित अर्थात एग्जिबिट कराया जाता है। सबसे पहले विक्टिम अर्थात पीड़ित या शिकायतकर्ता की गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस, जैसे कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह, तो उसकी गवाही। इसके बाद पुलिस की और डॉक्टर की या फॉरेंसिक लैब वालों की, जो भी केस के अनुसार दिए हों उनकी गवाही होती है। और सबसे लास्ट में IU यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। पहले अभियोजन अर्थात पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अर्थात सरकारी वकील अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण करते हैं। इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता आरोपी को बचाने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद उनसे जिरह अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। इसे प्रति परीक्षण करना भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 151, 152 और 154 के तहत आरोपी के अधिवक्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों से बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे, या फिर ऐसे प्रश्न भी नहीं करेंगे जिससे कि गवाहों के चरित्र पर आंच आए या वे अपमानित हों। यदि आरोपी के अधिवक्ता ऐसा कोई प्रश्न कोर्ट की अनुमति के बगैर करते हैं तो यह न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा, और ऐसी स्थिति में वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आरोपी के अधिवक्ता की रिपोर्ट हाई कोर्ट या बार काउंसिल से भी कर सकते हैं। फिर आगे यदि अधिवक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट या बार काउंसिल करेंगे। इसलिए प्रति परीक्षण अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रति परीक्षण अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि आरोपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, क्रिमिनल केस का सबसे अहम भाग होता है। इसी में आरोपी के अधिवक्ता की काबिलियत देखी जाती है कि वे केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ के आरोपी को बचा सकते हैं। इसके बाद अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता भी अर्थात सरकारी वकील आरोपी पक्ष के गवाहों से इसी प्रकार गवाही कराते हैं। यदि कोई नया तथ्य या बात बाद में कोर्ट के सामने आती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143(3) के तहत फिर से गवाही करवाई जा सकती है। इसे पुनः परीक्षण भी कहा जाता है। अगर कोई अभियोजन पक्ष अर्थात पीड़ित पक्ष का गवाह या सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाए या हॉस्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 157 के तहत खुद उस गवाह से जिरह अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, यह साबित करने के लिए कि वो गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी को फायदा पहुंचाना चाहता है या आरोपी से मिल गया है। यदि कोई गवाह किसी प्रश्न का उत्तर देने से बच रहा है या मना कर रहा है तो कोर्ट चाहे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 137 और 150 के तहत किसी गवाह को प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर भी कर सकती है। अगर कोई पीड़िता अर्थात लड़की या महिला जो कि रेप विक्टिम है और उसके किसी मजिस्ट्रेट के सामने BNSS की धारा 183 का बयान दर्ज हुए हैं और केस सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है तो उस मजिस्ट्रेट को भी, जिसके समक्ष पीड़िता के 183 के बयान हुए हैं, उस मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए सेशन कोर्ट द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 के तहत गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष अर्थात पीड़ित पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी। इसमें वो कोई सबूत जो उसके पक्ष में हो तो उसको पेश कर सकता है या फिर किसी व्यक्ति या संस्था, सरकारी या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट द्वारा बुलवाकर पेश करवाकर अपना पक्ष रख सकता है। BNSS की धारा 530 के तहत गवाही, समन या वारंट भेजना आदि चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती हैं। जब दोनों पक्षों की गवाही हो जाती है उसके बाद आरोपी के मुलजिम बयान होते हैं, जिसे अभियुक्त कथन भी कहा जाता है। इसके बाद BNSS की धारा 352 के तहत केस अंतिम बहस फाइनल आर्ग्यूमेंट में लग जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ता
अपने पक्ष समर्थन की बातें कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर बहस में समय लगता है तो फिर उसे अगली पेशी पर पूरा किया जाता है। ये बहस लिखित रूप में भी दी जा सकती है, जिसे अंतिम लिखित तर्क भी कहा जाता है। जजमेंट, केस में बहस पूरी हो जाने के बाद BNSS की धारा 392 और 393 के तहत कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया जाता है। अगर आरोपी को बरी अर्थात दोषमुक्त कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे सजा सुनाई जाती है। दोषी को सजा सुनाने के लिए तारीख नियत की जाती है। अब वो फांसी, आजीवन कारावास, सश्रम कारावास या फिर सादा कारावास या फिर फाइन अर्थात सिर्फ जुर्माना भरने की सजा या फिर सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस की सजा या फिर सिर्फ कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने की या अन्य किसी और प्रकार के काम करने की भी हो सकती है। अगर कोर्ट किसी केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा देती है तो वह ट्रायल कोर्ट अर्थात सेशन कोर्ट सजा सुनाने से पहले फांसी की सजा के कन्फर्मेशन के लिए जजमेंट के फैसले की कॉपी BNSS की धारा 407 के तहत हाईकोर्ट भेजती है। हाईकोर्ट BNSS की धारा 409 के तहत या तो उस मृत्युदंड की सजा की पुष्टि कर देती है या फिर मृत्युदंड की सजा को दूसरी सजा में बदल सकती है, जैसे कि आजीवन कारावास। और हाईकोर्ट बिना विलंब किए मृत्युदंड की पुष्टि या अन्य सजा के आदेश की कॉपी को BNSS की धारा 412 के तहत सेशन कोर्ट के पास वापस भेज देती है। जब सेशन कोर्ट को फांसी के मामले में हाईकोर्ट से कन्फर्मेशन मिल जाती है तो वह आरोपी को फांसी की सजा सुना देती है। इसके बाद आरोपी अर्थात दोषी व्यक्ति हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इसमें वह केस में अपने मजबूत पहलुओं, अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है और सेशंस कोर्ट द्वारा निर्णय में की गई गलतियों को हाईकोर्ट के सामने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखता है। लेकिन अगर फिर भी हाईकोर्ट उसकी मृत्युदंड की सजा को अपील में कन्फर्म अर्थात पुष्ट कर दे तो वह आरोपी इस निर्णय की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपील पेंडिंग अर्थात लंबित रहने के दौरान BNSS की धारा 430 के तहत आरोपी अपीली कोर्ट में जमानत पर रिहा किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। अब यह अपीली न्यायालय के ऊपर है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना है या नहीं। यदि फांसी की सजा दी गई है तो BNSS की धारा 455 के तहत अपील का निर्णय आने तक उसकी फांसी रोक दी जाती है। जैसे कि हाईकोर्ट ने मृत्युदंड की पुष्टि कर दी तो आरोपी सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, तो फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट उस अपील पर सुनवाई न कर ले तब तक के लिए उसकी फांसी क्या है, रोक दी जाती है धारा 455 के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाए अर्थात सुप्रीम कोर्ट भी मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखे तो सेशन कोर्ट उसे मृत्युदंड की सजा को कन्फर्म अर्थात पुष्ट कर देती है। अगर आरोपी की सजा उम्र कैद या इससे कम की होती है तो फिर सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा भाग है अपील। अगर दोषी को सजा 3 साल या इससे कम की सुनाई गई है तो आरोपी को उसी कोर्ट से निर्णय सुनाने के दिन ही तुरंत बाद BNSS की धारा 433 के तहत जमानत मिल जाती है। यदि सजा 3 साल से ऊपर की सुनाई गई है तो फिर ऐसी स्थिति में आरोपी को जेल जाना होता है। फिर वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से ऊपर की कोर्ट अर्थात अपीली कोर्ट में अपनी बेल अर्थात जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। मौत की सजा में परिसीमा अधिनियम अर्थात लिमिटेशन एक्ट या कह लें कि मर्यादा अधिनियम के आर्टिकल 115 के तहत आरोपी के पास 30 दिन का समय होता है अपील करने के लिए, जिस दिन से उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, और बाकी अन्य प्रकार की सजा में हाई कोर्ट में 30 दिन तथा किसी अन्य कोर्ट में 60 दिन का समय अपील करने के लिए आरोपी के पास होता है। इसी प्रकार मौत की सजा में परिसीमा अधिनियम के आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का समय 60 दिन होता है और अन्य अपराधों में 90 दिन। अगर आरोपी को मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सजा मिली है तो आरोपी BNSS की धारा 415 के तहत ऊपर की कोर्ट जो कि सेशंस कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, जो भी हो वहां अपील कर सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति को लगे कि आरोपी को सजा कम मिली है या दोष मुक्त हो गया है तो फिर वह पीड़ित व्यक्ति भी ऊपर की कोर्ट में आरोपी को ज़्यादा सजा दिलाने के लिए अपील BNSS की धारा 418 के तहत और राज्य सरकार 419 के तहत कर सकती है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके तहत कोई अपील नहीं की जा सकती। ये प्रावधान BNSS की धारा 295, धारा 416 और धारा 417 के तहत निर्धारित किए गए हैं। दया याचिका, मर्सी पिटीशन।
अगर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है और हाई कोर्ट तथा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज हो गई हो, तो दोषी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपने राज्य के राज्यपाल अर्थात गवर्नर और राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका अर्थात मर्सी पिटीशन लगा सकता है। पहले राज्यपाल को मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार नहीं था, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड की दया याचिका पर विचार कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज राजकुमार आका बिट्टू 3 अगस्त 2021 के ऐतिहासिक निर्णय में राज्यपाल को भी यह शक्ति प्रदान हो गई है। पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन और उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन। संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन अर्थात पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय पर दोबारा विचार कर सके। यदि रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कायम रखे और मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखे, तो फिर दोषी व्यक्ति के पास आखिरी और अंतिम उपाय यह रहता है कि वह दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन दायर करे। क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्यों शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। उपचारात्मक याचिका तब दाखिल की जाती है जब किसी आरोपी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दोनों ही खारिज कर दी जाती हैं। उपचारात्मक याचिका की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूपा अशोक खुर्रा वर्सेज अशोक खुर्रा एंड अनदर्स 10 अप्रैल 2002 के केस में हुई है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। यदि उपचारात्मक याचिका भी खारिज हो जाए तो फिर आरोपी को फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता, उसका मरना तय हो जाता है और इसी के साथ क्रिमिनल केस ट्रायल समाप्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ गलत FIR दर्ज कराकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा दिया गया है एवं केस की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी गलत थी, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 399 के तहत फरियादी अर्थात पीड़ित व्यक्ति को यह आदेश कर सकते हैं कि वह पीड़ित व्यक्ति बतौर हर्जाना आरोपी व्यक्ति को प्रतिकर राशि दे, जो कि 1,000 रुपये तक की हो सकती है। व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही क्या है, केस खत्म हो जाता है। लेकिन जब केस चल रहा हो तो आरोपी अपनी सहूलियत के लिए इन धाराओं का प्रयोग कर कोर्ट से थोड़ी राहत पा सकता है। पहला है केस में हाजिरी माफी। अगर आरोपी जिसका केस कोर्ट में चल रहा है वो किसी कारण से उस दिन पेशी पर नहीं आ सकता, तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से BNSS की धारा 355 के तहत कोर्ट में आवेदन करके उस दिन नहीं आने का कारण देकर कोर्ट में जाने से बच सकता है। लेकिन यदि उसके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में आवेदन दायर नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगी। स्थायी हाजिरी माफी। आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि कोई बीमारी, वृद्धावस्था या कोर्ट से उसकी घर की दूरी या अन्य सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से BNSS की धारा 228 के तहत कोर्ट से स्थायी हाजिरी माफी परमानेंट एग्जेम्पशन ले सकता है। इसमें उसे हर पेशी पर कोर्ट आने से छूट मिल जाती है। आरोपी को सिर्फ चार्ज फ्रेम करने के लिए और अंत में जजमेंट अर्थात निर्णय के समय ही कोर्ट आना होता है। ट्रायल के बीच में केस खत्म करने के उपाय। राजीनामा। यदि पीड़ित अर्थात शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है तो BNSS की धारा 359 में बताए गए नियमों के तहत राजीनामा करके केस समाप्त कर सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग सौदा अभिभाक। यदि राजीनामा नहीं होता तो BNSS की धारा 290 के तहत प्ली बार्गेनिंग का आवेदन देकर आरोपी अपनी सजा कम 1/4 करवाने के लिए अधिवक्ता के जरिए आवेदन कर सकता है। लेकिन ध्यान में देने वाली बात यह है कि प्ली बार्गेनिंग सिर्फ उन धाराओं के अपराध के लिए ही है जिनमें 7 वर्ष तक की सजा है। रेप और हत्या जैसे केस में यदि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह अपने बयान बदल दें और आरोपी के पक्ष में गवाही दे दें तथा आरोपी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी ना हो, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, जब्ती या आरोपी की घटना के समय उपस्थिति आदि, तो ऐसी स्थिति में भी आरोपी को दोष मुक्त किया जा सकता है। तो ये था क्रिमिनल केस ट्रायल का पूरा प्रोसीजर। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, यदि आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है जो कि 1 घंटे का है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यदि इसकी PDF चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डिमोले आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।